श्राद्ध पक्ष में घर पर ही पितरों का तर्पण यानी पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। सबसे पहले मन में भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण करें। फिर एक बर्तन में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, दूध, जौ, काले तिल, चावल, चंदन डाल लीजिए। दक्षिण की ओर मुख करके कुशा या दरबा को दोहरा करके दाहिने हाथ में आड़ा करके पकड़ लीजिए। फिर अंगूठे से इस प्रकार जलांजलि देनी चाहिए। इसे पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। पहले अपने गोत्र का नाम लेते हुए कहें। उदाहरण के लिए, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए हमारे सभी पितरों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे द्वारा दी गई जलांजलि ग्रहण करें। इसके बाद अपने पितरों को तीन तीन जलांजलि दीजिए। जैसे कि पिता के लिए, मैं अपने पिता श्री संजीव कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः कहते हुए जल दूसरे पात्र में अर्पण कर दीजिए। मैं अपने पिता श्री संजीव कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः। मैं अपने पिता श्री संजीव कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः। दादा के लिए, मैं अपने दादा श्री राम कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः कहते हुए जल दूसरे पात्र में अर्पण कर दीजिए। मैं अपने दादा श्री राम कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः। मैं अपने दादा श्री राम कुमार गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्मै स्वधा नमः। माता के लिए, मैं अपनी माता श्रीमती राधा देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः कहते हुए जल दूसरे पात्र में अर्पण कर दीजिए। मैं अपनी माता श्रीमती राधा देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः। मैं अपनी माता श्रीमती राधा देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः। दादी के लिए, मैं अपनी दादी श्रीमती सीता देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः कहते हुए जल दूसरे पात्र में अर्पण कर दीजिए। मैं अपनी दादी श्रीमती सीता देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः। मैं अपनी दादी श्रीमती सीता देवी गर्ग की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूँ, तस्यै स्वधा नमः। इसी प्रकार अपने अन्य पितरों के नाम लेते हुए उनको भी जल अर्पण करना चाहिए। पिता, दादा आदि पुरुष पितरों के लिए तस्मै स्वधा नमः और माता, दादी आदि स्त्री पितरों के लिए तस्यै स्वधा नमः कहना चाहिए। जिसकी जो पुण्य तिथि हो उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में उसका तर्पण करना चाहिए। अगर तिथि नहीं पता हो तो श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या को उन सभी का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद लगातार जलधार छोड़ते हुए उसी प्रकार पितृ तीर्थ मुद्रा से सारे प्राणियों के लिए इस प्रकार कहते हुए जल अर्पण करना चाहिए। जो नरक आदि में यातना भुगत रहे हैं और हमसे जल पाना चाहते हैं, उन सभी की तृप्ति के लिए मैं जलांजलि अर्पण करता हूँ। जो मेरे बंधु बांधव हैं और जो बंधु बांधव नहीं हैं, जो पिछले किसी जन्म के बंधु बांधव हैं, उनकी तृप्ति के लिए भी मैं ये जलांजलि अर्पण करता हूँ। देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्रह्म पर्यंत सभी की तृप्ति के लिए मैं ये जलांजलि अर्पण करता हूँ। माता और नाना के कुल के और करोड़ों कुलों के सातों द्वीपों और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों की तृप्ति के लिए मैं ये जलांजलि अर्पण करता हूँ। जो मेरे बंधु बांधव हैं और जो मेरे बंधु बांधव नहीं हैं और जो पिछले अनेक जन्मों के बंधु बांधव हैं,
वे सभी मेरे द्वारा अर्पण किए इस जल से पूरी तरह से तृप्त हों। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और फिर गाय को रोटी खिलानी चाहिए, फिर परिवार सहित भोजन आदि करना चाहिए। यदि समय हो तो यम स्तोत्र और पितृ स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान पर काले तिल छोड़ते हुए कहें कि हे पितृ देवताओं, ये जलांजलि और भोग सामग्री ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में तर्पण आदि से पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।